खुलेआम डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा है, जिसके कारण काफी हादसे भी हो रहे हैं। जी हां, दुर्गो कोंदल बस स्टैंड में मोटरसाइकिल स्टोर की दुकान विश्वकर्मा ऑटो पार्ट्स में अवैध रूप से पेट्रोल बिकने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि अवैध तरीके से विश्वकर्मा मोटरसाइकिल दुकान पर सड़क किनारे रखकर प्लास्टिक की जर्किन बोतलों में भरकर बेचने के लिए रखे हुए हैं। भारी संख्या पर खुलेआम बेचा जा रहा है, जिससे न केवल हादसों में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि मिलावट पदार्थ बेचकर वाहनों को नुकसान पहुंचाने के अलावा महंगे दाम वसूल कर मोटा मुनाफा भी कमाया जा रहा है। डीजल व पेट्रोल जैसे पदार्थों को दुकानों पर रखकर बेचने पर विस्फोटकों के अवैध कार्य विक्रय और भंडारण पर प्रतिबंध के आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं। इसके बाद भी तमाम क्षेत्रों में पेट्रोल के अपडेट कारोबारियों का कोई ध्यान नहीं है। स्थिति तो यह है कि खुलेआम पेट्रोल डीजल बेचा जा रहा है, जबकि इस नेशनल हाईवे 25 माने जाने वाली सड़क से प्रतिदिन अधिकारी निकलते हैं, इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दुर्गो कोंदल के मोटरसाइकिल स्टोर की दुकान के सामने पेट्रोल रखकर बेच रहे दुकानदार पेट्रोल को महंगा देने के साथ साथ मिलावटी भी बेचते हैं। इसके अलावा बोतलों व पनियों में भरकर देते हैं, जिससे हादसा होने की आशंका बनी ही रहती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।